हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बैंगन प्लांट के बारे में कि आप अपने बैंगन के प्लांट से सर्दियों में ढेर सारे फल फूल कैसे प्राप्त करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube इंडिया वेस्ट गार्डन चैनल पर। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि मेरा जो बैंगन का प्लांट है वो काफ़ी अच्छी तरीके से फलों से लदा हुआ है और इस पर फ्लावरिंग भी अच्छी तरीके से चल पा रही है, फल चमकदार भी बने हुए हैं और हमारा जो प्लांट है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ भी करने लग रहा है। फ्रेंड्स, आपने भी अपने घर पर किसी पॉट या ज़मीन में या कंटेनर बर्नर में बैंगन प्लांट उगाए हुए हैं और इन पर फल फूल नहीं आ रहे हैं या उसकी ग्रोथ रुक चुकी है, तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसा बेस्ट फर्टिलाइजर भी बताऊंगी जिसे डालने से आपका जो बैंगन का प्लांट है वो सर्दियों में फल फूलों से लदा रहेगा और काफ़ी मात्रा में फल फूल देता रहेगा और अच्छी तरीके से ग्रोथ भी करता रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि मेरा जो बैंगन का प्लांट है इस पर बैंगन फल काफ़ी मात्रा में लगे हुए हैं और फल भी एकदम चमकदार बने हुए हैं। तो गाइस, आप इस बेस्ट फर्टिलाइजर का एक बार अपने पौधे पर अवश्य इस्तेमाल करें ताकि आपका जो बैंगन का प्लांट है वो अच्छी तरीके से फल फूलों से लदा रहेगा, यानी सर्दियों के मौसम में काफ़ी मात्रा में फल देता रहेगा। जैसा कि गाइस आप सामने देख ही रहे होंगे कि मेरा जो बैंगन का प्लांट है इसकी डाली डाली पर फल लगे हुए हैं और फल भी ऐसे कि एकदम चमकदार बने हुए हैं और अच्छी तरीके से फल भी काफ़ी बड़े साइज के बनने के चांस बने हुए हैं, जो कि आप सामने देख ही रहे होंगे कि मेरा जो बैंगन का प्लांट है वो मैंने ज़मीन में लगाने के साथ साथ इसकी ग्रोथ भी अच्छी तरीके से चल पा रही है और मैं इसकी देखभाल भी समय समय पर करती रहती हूँ और इसमें बेस्ट फर्टिलाइजरों का भी इस्तेमाल करती रहती हूँ, तभी तो हमारा जो बैंगन का प्लांट है वो आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि फलों से लदा हुआ है। और हमें अपने पौधे की अच्छी प्रकार से देखभाल करते रहना चाहिए। और गाइस, होता क्या है कि सर्दियों मौसम में हमें अपने पौधे में ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, यानी वाटरिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है, चाहे तो महीने में एक बार भी कर सकते हैं। गाइस, होता क्या है कि वाटरिंग करने से हमारा जो प्लांट है उसकी रूट्स गल जाती हैं और सर्दियों में हमारे पौधे को वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि नमी बनी रहती है हमारी पौधे की सॉइल में, तो हमारा पौधा खुद पर खुद ग्रोथ करता रहता है और फल फूलों से लदा रहता है। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं पौधे की नराई गुड़ाई के बारे में कि हमारे बैंगन प्लांट हो या कोई सा प्लांट हो तो उसकी नराई गुड़ाई समय समय पर करते रहना चाहिए क्योंकि हमारे पौधे में जो उपजाऊ घास होती है वो हमारे पौधे के जो पोषण होते हैं उन्हें खींचती रहती है, तो हमारा प्लांट फल फूलों से नहीं लदता है क्योंकि जो उर्वरक शक्ति होती है हमारे प्लांट की वो घास में जाती रहती है, तो हमारा प्लांट फल नहीं देने के चांसों पर बन जाता है। तो हमें अपने प्लांट की नराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं अपने उस फर्टिलाइजर के बारे में कि वो कौन सा फर्टिलाइजर है जिसे डालने से हमारा जो बैंगन का प्लांट है वो अच्छी तरीके से फल फूलों से लदा रहे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया हुआ है और इस बर्तन में लगभग 1 लीटर के पानी लिया हुआ है जो कि मैं यहाँ पर एक प्लांट के लिए फर्टिलाइजर बना करके तैयार करूँगी। और गाइस, आप चाहे तो अपने ज़्यादा पौधे के लिए फर्टिलाइजर बना रहे हो तो ज़्यादा वाटर लेना है और एक पौधे के लिए तो 1 लीटर पानी ले लेना है। और गाइस, मैंने यहाँ पर चीज़ एक ली हुई है, वो है DAP जो कि हमारे प्लांट पर फल फूल लाने का काम भी करेगी और फलों का साइज बड़ा करने का भी काम करेगी और सर्दियों में हमारे पौधे की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है उसको भी शुरू करने का काम करेगी। गाइस, इस DAP के दानों को मैंने यहाँ पर कम से कम 100 ग्राम के लगभग लिया हुआ है और इस पानी में डाल करके तैयार कर दिया है। और गाइस, अब बात करेंगे उस दूसरी चीज़ के बारे में कि मैंने यहाँ पर दूसरी चीज़ ले रखी है। और गाइस, चलिए आगे वीडियो को देखते रहिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और गाइस, आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर दूसरी चीज़ ली रखी है, वो है नमक जो कि किचन और रसोई में रोज़ाना इस्तेमाल करने के काम आता है और हमारे पौधे में जो फलों की कमी होती है उनकी भी पूर्ति करने का काम करता है नमक। और गाइस, इन दोनों चीज़ों को हमें पानी में डाल करके तैयार कर दिया है और अपने हाथ की सहायता से इस प्रकार घोल दिया कि हमारे जो DAP के दाने और नमक है वो घुल करके तैयार हो जाए। और गाइस, हमें 24 घंटे के लिए रख देना चाहिए क्योंकि हमारे जो DAP के दाने बचे कुचे होते हैं वो अच्छी प्रकार से घुल करके मिक्स हो जाए। और गाइस, आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमने जो 24 घंटे पहले फर्टिलाइजर बना करके तैयार किया था वो बन चुका है अच्छी प्रकार से। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं अपने पौधे की गुड़ाई के बारे में कि हमें अपने पौधे की गुड़ाई 1 से 1.5 इंच की गहराई में गुड़ाई कर लेनी है। और गाइस, ज़्यादा की गहराई में गुड़ाई की तो हमारे पौधे की जो रूट्स है वो कट सकती हैं, तो प्लांट रूट्स कटने से भी मर सकता है, तो अपने पौधे की अच्छी प्रकार से गुड़ाई करनी है और हमारे जो पौधे की रूट्स होती हैं वो बाहर भी ना निकल जाएँ। और गाइस, गुड़ाई करने के बाद हमारा जो फर्टिलाइजर है उसको लेकर अपने पौधे की रूट्सों में डाल देना है। और गाइस,
एक बार ऐसा काम कर लेंगे तो हमारा प्लांट फल फूलों से हमेशा के लिए लदा रहेगा। और गाइस आज की वीडियो कैसी लगी, आशा करती हूँ कि आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस फिर मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।